शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संविदा कर्मचारियों ने कुरवाई बीएमओ पर वेतन रोकने के आरोप लगाए हैं। गुरुवार को संविदा कर्मचारी एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे और सीएमएचओ के नाम तहसीलदार के समक्ष ज्ञापन सौंपा है। कुरवाई ब्लॉक के संविदा कर्मचारियों ने बीएमओ डॉक्टर आजाद सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको बिना सूचना दिए वेतन रोक दिया जाता है, जिससे हम समस्त संविदा कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले बीएमओ के पद पर डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव पदस्थ थे, तब ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी। जब से बीएमओ का पदभार डॉक्टर आजाद सिंह ने संभाला है, तब से हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पठारी में पदस्थ महिला संविदा कर्मचारी ने डॉक्टर तोमर पठारी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पर बदतमीजी के आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास अपनी समस्या लेकर जाओ तो वह हमसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मैं बीएमओ कुरवाई। सर, आज जो महिला है एसडीएम कार्यालय पहुंची थी, आपके स्वास्थ्य केंद्र से रिलेटेड थी, सारी कर्मचारी की संविदा, वो एक ज्ञापन लेकर पहुंची थी। उनका ऐसा आरोप है कि आपने, आपकी डिपार्टमेंट ने, या आपने दो दो तीन तीन महीने की सैलरी रोक के रखी है। क्या कारण है सर? देखिए, ये शायद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहलाते हैं, इनकी पोस्टिंग हमारे गांव में की गई है ताकि आम जनता, जो ग्रामीण जनता है, उनको ये सेवाएं मिल सके। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि ना तो ये किसी प्रोग्राम में रुचि दिखा रहे हैं, ना ही ये कोई वहाँ पे अपने मुख्यालय पे निवास कर रहे हैं। तो हमारे जो चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश रहते हैं कि भाई इन पे कार्रवाई करनी होती है, और ऐसी नहीं है, किसी की सैलरी नहीं रुकी हुई है। अभी ये लोग 21 दिन की हड़ताल पे गए हुए थे। कब गए थे सर? ये लोग पिछले महीने की 15 तारीख को हड़ताल पे गए हुए थे और अभी इस महीने लौट के आए, तो उस वजह से सैलरी प्रोसेस होने में टाइम लग रहा हो। अगर किसी की रुकी भी होगी तो कुछ रीजन से रुकी होगी, उसकी कहीं ड्यूटी लगाई गई होगी तो उसने ड्यूटी नहीं की होगी, या कोई उसको ऑर्डर दिया गया होगा जो उसने उसने पालन नहीं। उन महिला कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है मीडिया के सामने कि साल में दो दो तीन तीन बार, दो दो तीन तीन महीने के लिए होल्ड की जाती है सैलरी। क्या कारण है सर? नहीं, होल्ड करने के कोई ना कोई कारण होते हैं। अननेसेसरी किसी की होल्ड नहीं की जाती। अगर उनको जो दायित्व सौंपे गए हैं अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये कारण हो सकता है। सर, कहना है कि इससे पहले डॉक्टर श्रीवास्तव के कार्यकाल में इस तरीके की कभी कोई नहीं आई है। नहीं है सर, तब से आपने पदभार संभाला है तब से ये शिकायत आ रही है उनके लिए। और उनका ये भी कहना है कि गांव में उनकी पोस्टिंग है तो वहां पर रहने की व्यवस्था है नहीं है, इसलिए वो यहां पे ऐसा नहीं है। कहते वहां पे दीवारें भी नहीं उठी हुई हैं, यहां पे सब सेंटर है। मैं जो नियम बता रहा हूं, जहां पे सब सेंटर है वहां पे आपको अपनी बिल्डिंग में निवास करना है और लोगों को सेवाएं देना है, और जहां पे सब सेंटर नहीं है वहां पे आपको अपना घर किराए पे लेना है, कमरा किराए पे लेना है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग गांव के लिए हुई है, सब सेंटर के लिए हुई है। सर, उनका एक आरोप और है कुछ महिलाओं का। सर, उनके वरिष्ठ अधिकारी उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पठारी में उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं डॉक्टर तोमर हैं, तो उन्होंने भी बहुत, मतलब महिलाओं के लिए बहुत ही बेहूदा शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऑन कैमरा वो लोग ये सब बोल रही हैं, और ये अनुभागीय अधिकारी कार्यालय में बोल रही हैं। ये मैं दिखवा लेता हूँ। आप आज तहसील कार्यालय में किस संदर्भ में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? हम समस्त सीएचओ, हमारी जो निम्नलिखित समस्याएं हैं, मतलब शैली से संबंधित हम लोगों को समस्याएं आ रही हैं, जिससे अवगत कराने हेतु हम लोग बीएमओ सर के पास गए थे, बीएमओ महोदय के पास, लेकिन उन्होंने हमारी समस्याओं को सिर्फ सुना है और उन्होंने ना तो कोई आश्वासन दिया है, ना ही हम लोगों को बोला है कि आपका जो भी सैलरी से संबंधित समस्या है या आपका निराकरण है वो हम दो दिन में या तीन दिन में क्लियर कर देंगे। बीएमओ कौन है आपके? हमारे बीएमओ आजाद सिंह ठाकुर है। ये समस्या कब से आ रही है आप लोगों? ये समस्या अभी तीन महीने से आ रही है। उसके पहले हम लोगों के सर किसी श्रीवास्तव सर थे, वो बाकायदा टाइम पे हर मंथ सभी की सैलरी टाइम पे डालते थे। सैलरी से संबंधित हम लोगों को भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अभी चार महीने से जब से ये सर आए हैं तब से हम लोगों को विभिन्न समस्याओं से
मतलब जूझना पड़ रहा है, जैसे कि सैलरी टाइम पे नहीं आती, हर दो दो महीने में ये लोग स्टे कर लेते हैं, रोक लेते हैं, उसके बाद डालते हैं। जैसे कि आफरीन की कब से सैलरी की हुई? जैसे मेरी सैलरी दिसंबर में फर्स्ट टाइम आई और सितंबर तक की डाली, अब जैसे जनवरी चल रही है तो अब मेरी नवंबर की डाली, ऐसे करके दो दो महीने डिले करके डालते हैं। अभी मेरी नवंबर की और दिसंबर की रुकी हुई। आप कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई? तीन महीने चार महीने के बीच में आ जाती है, लेकिन कई सी एच ओ है जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी है, यहाँ उनके लिए हर चीज नहीं है, तो दो दो तीन तीन महीने कैसे हम मतलब अपना स्टे करते हैं, किराया भी देना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो बस एक ही इशू निकलता है सामने के, ठीक है सैलरी कहाँ जा रही है, रुकी मिल जाएगी, कहाँ जा रही है सैलरी, आप लोग इतना क्या इशू बना लेते हो? अरे आप लोगों ने इस संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी से कोई बात करी या शिकायत करी? अभी तक हमें यही ट्रस्ट था कि हमारे बीएमओ हमारी सारी इशूज को क्लियर कर देंगे, तो हम अभी तक हमने अपने लोगों ने ये बात रखी बीएमओ सर से बात की, लेकिन हमने अपने वरिष्ठ उनसे बात नहीं की है। बीएमओ सर का क्या कहना है? बीएमओ सर का कहना है कि सैलरी कहाँ जाती है आपकी? आई जाती है दो महीने तीन महीने में, और उसके लिए हम लोग बार बार लिखित आदेश भी मतलब लिखित लेटर भी दे चुके हैं, सूचित भी कर चुके हैं कि सर हम लोगों का पीबीए क्लियर कर दो, सैलरी क्लियर कर दो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी संबंधित लेटर जारी नहीं किया है जिससे आश्वासन प्राप्त हुआ हम लोगों को, ना ही आश्वासन दिया है। इसके अलावा भी और कोई समस्याएं हैं जो आपको आ रही हूँ? हाँ बिल्कुल, और ये समस्याएं हैं सीएचओ को सेंटर पर रहने के लिए भी, हम लोगों को सिर्फ सीएचओ को ही टारगेट किया जा रहा है, बल्कि एएनएम एमपीडब्ल्यू सभी के लिए रहने का नियम है, है ना, कहीं कहीं बिल्डिंग नहीं बनी है तब भी हम लोगों से बोला जा रहा है कि वहीं गांव में रहो तभी जाके तुम, जो हेडक्वार्टर भी है उनमें अभी मतलब बाउंड्रीज नहीं है, फेंसिंग नहीं है, जो फीमेल सीएचओ है उनकी है ना सेफ्टी के लिए कोई भी अभी वहाँ इतना मतलब एक बिल्डिंग बनी है लेकिन फेंसिंग नहीं है, जैसे मैं ही हेडक्वार्टर में रह चुकी हूँ, लेकिन डायरेक्ट दरवाजा होने की वजह से कई बार मुझे मतलब पर्सनली इश्यूज आए नाइट में, जो कि मैंने बीएमओ को बताया तो बोले ये कि आपकी बेवजह इशू है, ये कोई इश्यूज नहीं है, और है ना अभी जैसे हमारे मेडिकल ऑफिसर जो पठारी में डॉक्टर शिवम तोमर करके, उन्होंने फीमेल से रिलेटेड इतनी बेहुदा बात मुझसे की है, और मैं इसमें बिल्कुल बेझिझक मतलब झिझक नहीं खाती हूँ कि मैं सबके सामने ये बोलूँ, मेरे से खुद मेडिकल ऑफिसर है पर्सनली मुझे मतलब मेरे यदि पीरियड्स भी आएंगे ना तो वो मुझे पीरियड्स के लिए भी वॉशरूम की परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपके पीरियड्स की डेट आपको पता होती है तो आपको पैड लगा के पहले से आना चाहिए, ये मेरे को स्ट्रिक्टली उसने उन्होंने बोला है डॉक्टर शिवम तोमर करके जो हमारे मेडिकल ऑफिसर, ये कहाँ पर पदस्थ हैं? ये पठारी में पदस्थ हैं, और उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि हर एक फीमेल को अपना उसका पीरियड्स पता होता है तो अपने पीरियड्स के अकॉर्डिंग उसे पैड लगा के आना चाहिए। तो इसकी शिकायत आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से नहीं की? बीएमओ को बोली मैंने अपने बीएमओ सर को आके बताई, बट उन्होंने भी इस चीज पे कोई गौर नहीं किया, तो आज हमें अपने मीडिया का साथ लेना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।